आज हम बात करेंगे टॉप 5 कमिंग मोबाइल्स की जो लॉन्च होंगे दिसंबर 2022 में। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारी लिस्ट पे नंबर 1 पे आता है मोटो G72 5G। इस मोबाइल में आता है एंड्रॉइड V12। चलिए आते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ। 6.55 इंच का फुल HD POLED डिस्प्ले है जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और ये सभी को पावर देगा स्नैपड्रैगन का 695 प्रोसेसर। अब बात करते हैं इसके कैमरा की। तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है 108+8+2 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा इसमें 16 मेगापिक्सल का। ये मोबाइल आता है 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। 1TB आप इसको SD कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। इन सभी को ऑन रखने के लिए इसमें 5000 की बड़ी बैटरी दी गई है जिसको चार्ज करेगा 33W का फास्ट चार्जर। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 18,000 रुपए। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 15 दिसंबर। हमारी लिस्ट पे नंबर 2 पे आता है इंटेनेक्स 020। इस मोबाइल में आता है एंड्रॉइड V12। चलिए आते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ। 6.7 इंच का फुल HD AMOLED डिस्प्ले है जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और ये सभी को पावर देगा मीडियाटेक कैलोजी 99। अब बात करते हैं इसके कैमरा की। तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है 108+13+2 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा इसमें 60 मेगापिक्सल का। ये मोबाइल आता है 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। 256GB आप इसको SD कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। इन सभी को ऑन रखने के लिए इसमें 4500 की बैटरी दी गई है जिसको चार्ज करेगा 45W का फास्ट चार्जर। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 20,000 रुपए। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 21 दिसंबर। हमारी लिस्ट पे नंबर 3 पे आता है Xiaomi 12T। इस मोबाइल में आता है एंड्रॉइड V12। चलिए आते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ। 6.67 इंच का फुल HD AMOLED डिस्प्ले है जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और ये सभी को पावर देगा मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8100। अब बात करते हैं इसके कैमरा की। तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है 108+8+2 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा इसमें 20 मेगापिक्सल का। ये मोबाइल आता है 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। बट SD कार्ड का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। इन सभी को ऑन रखने के लिए इसमें 5000 की बड़ी बैटरी दी गई है जिसको चार्ज करेगा 120W का फास्ट चार्जर। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 35,000 रुपए। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 8 दिसंबर। हमारी लिस्ट पे नंबर 4 पे आता है Vivo Y55। इस मोबाइल में आता है एंड्रॉइड V12। चलिए आते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ। 6.44 इंच का फुल HD AMOLED डिस्प्ले है जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और ये सभी को पावर देगा स्नैपड्रैगन का 680 प्रोसेसर। अब बात करते हैं इसके कैमरा की। तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है 50+2+2 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा इसमें 16 मेगापिक्सल का। ये मोबाइल आता है 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। 1TB आप इसको SD कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। इन सभी को ऑन रखने के लिए इसमें 5000 की बड़ी बैटरी दी गई है जिसको चार्ज करेगा 44W का फास्ट चार्जर। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 15,000 रुपए। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 10 दिसंबर। हमारी लिस्ट पे नंबर 5 पे आता है ओप्पो रेनो 8 4G। इस मोबाइल में आता है एंड्रॉइड V12। चलिए आते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ। 6.43 इंच का फुल HD AMOLED डिस्प्ले है जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और ये सभी को पावर देगा स्नैपड्रैगन का 680 प्रोसेसर। अब बात करते हैं इसके कैमरा की। तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है 64+2+2 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा इसमें 32 मेगापिक्सल का। ये मोबाइल आता है 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। 512GB आप इसको SD कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। इन सभी को ऑन रखने के लिए इसमें 4500 की बैटरी दी गई है जिसको चार्ज करेगा 33W का फास्ट चार्जर। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 17,000 रुपए। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 25 दिसंबर। तो दोस्तों ये थे टॉप 5 कमिंग मोबाइल्स। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नीचे कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।